हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRS भी बोलते हैं। हाल ही में जो दुर्घटना हुई है उड़ीसा में, जो रेलवे का एक एक्सीडेंट हुआ है, तब से ये वर्ड काफ़ी सामने निकल कर आ रहा है, CRS। तो जानते हैं आज की वीडियो में कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है क्या। देखिए, CRS जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। देखिए, जो रेलवे दुर्घटना हुई है बालासोर के पास, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CRS के हाथों में दिया गया है कि किस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ है, क्या उसके अंदर कारण रहे। तो जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी विल इन्वेस्टिगेट द ट्रेन एक्सीडेंट इन उड़ीसा, जो देखो CRS के जो कमिश्नर रहेंगे वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो CRS आता है, कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। इट डज़ नॉट रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि जो CRS है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करेगा। डायरेक्टली क्या, रिपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका रीज़न ये बताया गया है, द रीज़न फॉर इट्स इंक्लूजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज़ टू कीप इट इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रीज रेलवे इस्टेब्लिशमेंट, जिससे कि इसको सेपरेट रखा जा सके रेलवे से। जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें कोई बायसनेस ना आए किसी भी घटना को लेकर। CRS इज़ ए गवर्नमेंट बॉडी दैट एक्ट एज द रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी इन द कंट्री, यानी कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जो किसका काम करती है, रेलवे में जो सेफ्टी अथॉरिटी का काम करती है, ये जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब इसका फंक्शन जान लेते हैं। देखिए, फंक्शन जैसे डिस्कस किया हमने कि ये रेलवे सेफ्टी को लेकर एक अथॉरिटी है। इट डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ द रेल ट्रेवल एंड ऑपरेशन, जितने भी रेल ट्रेवल के सेफ्टी एंड ऑपरेशंस होते हैं वो उनको ये एग्जामिन करता है। अपार्ट फ्रॉम इंस्पेक्टोरियल इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन, मतलब इन्वेस्टिगेशन के अलावा ये एज ए एडवाइजरी फंक्शन का भी काम करता है। द फंक्शन ऑफ द CRS आर लेड डाउन इन द रेलवे एक्ट 1989। देखिए, जितनी भी इसकी फंक्शनिंग है CRS की, वो रेलवे एक्ट 1989 के अंतर्गत आता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी CRS को लेकर। आई होप के वीडियो पसंद आई होगी आपको, और पसंद आई है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।